Hello learners, welcome back to CMA in Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. Capital gains पे हमने previous class पे deductions पूरी तरीके से complete किया. हमने last class में deductions देखे थे section number 54 GB, GAG. ये सारे deductions हमने cover किए थे और उसके साथ हमने सारे deductions complete कर लिए. That is section number 54 to section number 54 GB के जो भी deductions थे वो सारे deductions हमने complete कर लिए हैं. अब आते हैं हम next point पे. So next क्या बोल रहा है देखिए. Exemption under more than one section. हमको पता है हम section number 54 से लेके section number 54 GB तक के deductions ले सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे बोला गया कि क्या Mr. A ने बोला कि क्या मैं एक से ज़्यादा sections के अंदर deduction ले सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, आप एक से ज़्यादा सेक्शंस के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको उन पर्टिकुलर सेक्शंस की जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब सेक्शन नंबर 54 के अंदर डिडक्शन चाहिए तो उसकी कंडीशंस फुलफिल करो. 54 जीबी के अंदर चाहिए तो उसकी कंडीशंस फुलफिल करो. सेक्शन नंबर 54 जी की डिडक्शन चाहिए तो उसकी कंडीशंस फुलफिल करो. अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते जाएंगे, जितने की आप फुलफिल करेंगे उतने का आप डिडक्शन ले सकते हैं. सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, नेसेसरी कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर मोर देन वन सेक्शन from section number 54 to section number 54 GB if conditions of respective sections are fulfilled. अगर आप उस particular section की conditions को fulfill करते हैं तो आपको deduction मिल जाएगा. Next point आता है हमारा section number 54H की compulsory acquisition से related है. Normally compulsory acquisition का जो point है, हमने जो भी sections देखते आया, हमने starting के sections में भी देखा था compulsory acquisition वाला point, उसी को हम यहाँ पे in detail देखने वाले हैं. ध्यान से समझिएगा. मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है? ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी 1/4/2001 को रुपीज 10 लाख की. अब क्या हो रहा है, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट के रेलवे ट्रैक के बीच पे आ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपका घर कंपल्सरी एक्वायर करेंगे. और गवर्नमेंट ने इनका घर, दैट इज मिस्टर ए का घर, कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया ऑन, हम लेते हैं 1/7/2017 को गवर्नमेंट ने इनका घर कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया फॉर रुपीज 80 लाख, ठीक है? सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम आपको, एज हमने कंपल्सरीली एक्वायर किया तो गवर्नमेंट ऑफकोर्स ही बातें कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देगी. तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको कंपेंसेशन देंगे रुपीज 80 लाख. तो 80 लाख रुपीज डिसाइड हुआ कि कंपेंसेशन दिया जाएगा. 1/7/2017 को ये घर गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया और कंपेंसेशन डिसाइड कर ली. सो बताइए क्या ट्रांसफर हो गया? सो आंसर इज यस, ट्रांसफर हो गया. हमारी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, उसके बदले कंसिडरेशन डिसाइड हो गया. तो अब बताइए कि यहाँ पे हम, अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए इसके बदले दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेंगे तो वो सेक्शन नंबर 54 का डिडक्शन ले सकते हैं? आंसर इज यस. रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं तो सेक्शन नंबर 54 का डिडक्शन हमको मिल जाएगा, है ना? सो हम क्या देखते हैं कि आपको टाइम मिलेगा 2 साल तक का परचेस करने के लिए, 3 साल तक का नया कंस्ट्रक्शन कराने के लिए. मतलब जब ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उससे 2 साल का, उससे 3 साल का. लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मैं 2 साल देखूँ, 1/7/2017 को हुआ है, सो 1/7/2017 उसके हिसाब से हमारा 2 साल होगा 2019 पे, और 3 साल हमारा होगा 30/6/2020 को. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मिस्टर ए है वो घर परचेस करना चाहते हैं ये 2 साल के पीरियड में, ठीक है? सो 2 साल के पीरियड में परचेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उनको कंपेंसेशन नहीं दिया. गवर्नमेंट ने उनको कंपेंसेशन कब दिया? गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन दिया 30/5/2019 को गवर्नमेंट ने उसे कंपेंसेशन दिया 80 लाख. डिसाइड कब हो गया था कंपेंसेशन? 1/7/2017 को ही कंपेंसेशन डिसाइड हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन दिया कब? 30/5/2019 को. अब मिस्टर ए को घर परचेस करना है तो उनके पास 2 साल का टाइम होता है. सो 2 साल का टाइम तो 30/6/2019 मतलब 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा. क्या 1 महीने के अंदर वो परचेस कर लेंगे? आंसर पॉसिबली नो है, क्योंकि अभी तक उनको डिसाइड ही नहीं किया गया था, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि कहाँ घर खरीदे. इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो क्या बोला गया कि जब आपको कंपेंसेशन मिलेगा
इस केस में आपको ट्रांसफर वाली डेट ना देख के कौन सी डेट देखनी है, कंपेंसेशन रिसीव्ड वाली डेट। और जब भी आपको कंपेंसेशन मिलेगा उससे आप टाइम पीरियड देखेंगे 2 साल या 3 साल वाला, 2 साल फॉर परचेस, 3 साल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, हमारा ओरिजिनल एसेट ये वाला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है, वेयर द कंपेंसेशन इज नॉट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हुआ तब हमको कंपेंसेशन नहीं मिला था, इन दैट केस यहाँ पे ट्रांसफर कब हो रहा था, 1/7/2019 को, क्या इस दिन कंपेंसेशन मिला था? आंसर इज नो। इन दैट केस पीरियड अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, न्यू एसेट खरीदने का पीरियड आपको दिया गया, या फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाने का, पैसा इन्वेस्टमेंट करने का आपको टाइम बोला गया, कि जब भी आपको रिसीट होगा कंपेंसेशन, जब भी कंपेंसेशन मिलेगा उस दिन से आपका एसेट का पीरियड स्टार्ट होगा कि आपको कितने पीरियड में उसको एक्वायर करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। कब से स्टार्ट होगा? ट्रांसफर की डेट से नहीं, जब कंपेंसेशन मिला उस दिन से स्टार्ट होगा। इनहांस कंपेंसेशन के लिए बोला जा रहा है कि न्यू एसेट आपको एक्वायर करना है, अगर इनहांस कंपेंसेशन का केस है, इन दैट केस जब रिसीट होगा इनहांस कंपेंसेशन तब से आपका पीरियड स्टार्ट होगा फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट। आई होप क्लियर हुआ हो। सेक्शन नंबर 54H रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है, अब हम एक शॉर्ट व्यू देखने वाले हैं सारे डिडक्शंस का जो हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 54 किससे रिलेटेड है? सेक्शन नंबर 54 रिलेटेड है सेल हो रहा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि लॉन्ग टर्म है, इंडिविजुअल और HUF के लिए अप्लाई करता है। सो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास लॉन्ग टर्म। ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर करके दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदना है, तब ये डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलता किसको है? इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। कितना रिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है आपने या फिर जितना कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। नेक्स्ट हम सेक्शन देखें तो सेक्शन नंबर 54B जो कि बोल रहा है कि आपको ट्रांसफर क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आपको ट्रांसफर करना है, और उसके बदले आप एग्रीकल्चरल लैंड आपको खरीदना है। कौन सा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी आप खरीद सकते हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखना है ये जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए 2 साल तक यूटिलाइज किया होना चाहिए, मतलब जब आप इसका ट्रांसफर कर रहे हैं उससे 2 साल पहले तक आपने उसको यूटिलाइज किया होना चाहिए। किसके लिए सेक्शन अप्लाई होगा? इंडिविजुअल और HUF के लिए अप्लाई होगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल गेन, व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट हम आए अगर तो सेक्शन नंबर 54EC। सेक्शन नंबर 54EC किससे रिलेटेड है? एक्विजिशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ। मतलब क्या है, देखिए लैंड, बिल्डिंग या बोथ आपको ट्रांसफर करके खरीदना क्या है? सर्टेन बॉन्ड्स खरीदने। अब ये बॉन्ड्स कौन से हैं? NHAI, RECL, PFCL एंड IRFCL, इनके बॉन्ड्स आपको खरीदने हैं। ठीक है, सो लैंड, बिल्डिंग और बोथ आप ट्रांसफर कीजिए, उसके बदले आपको खरीदने हैं सर्टेन बॉन्ड्स, इन दैट केस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसको मिलेगा डिडक्शन? ऑल SEC को यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन या फिर 50 लाख रुपीज तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। 54EE किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड में। मतलब यहाँ पे जैसे हमने देखा ये सर्टेन बॉन्ड्स वाले केस में आपको लॉन्ग टर्म लैंड, बिल्डिंग और बोट ट्रांसफर करना था, लेकिन ये स्पेसिफाइड फंड वाले केस में बोल दिया गया कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफर करना है, उसके बदले आपको यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स खरीदने हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड खरीदने हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसको मिलेगा? सारे SEC को डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन और 50 लाख रुपीज तक का आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं 54F जो कि रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि हमको खरीदना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। किसके लिए अप्लाई होगा? इंडिविजुअल और HUF के लिए अप्लाई होगा। डिडक्शन मिलेगा कितना? तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन यहाँ पे मिलता है इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन या फिर कैपिटल गेन का अमाउंट। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 54D, जो कि रिलेटेड था कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड। मतलब आपके पास लैंड और बिल्डिंग है जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की होनी चाहिए, ये आपका लैंड और बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, इन दैट केस आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना डिडक्शन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल गेन, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट 54G, जहां पे आपके पास यहां पे बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट है, कहां पे? अर्बन एरिया में। आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट है अर्बन एरिया में, आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट को आप शिफ्ट कर रहे हैं रूरल एरिया में, इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलता है। कैसे डिडक्शन मिलता है? तो अर्बन एरिया की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी को अगर आप बेचते हैं और उसके बदले रूरल एरिया की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी आप खरीदते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन किसको मिलेगा? तो सारे SEC को मिलेगा जिसके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है अर्बन एरिया में। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर जितना कैपिटल गेन आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 54GA सेम है एज दैट ऑफ सेक्शन नंबर 54G। 54G में हम कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? रूरल एरिया में शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन 54GA में आपके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए अर्बन एरिया में और आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट हो रही है टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन दैट केस आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। किसको मिलेगा? सारे SEC को मिलेगा डिडक्शन। मिलेगा कितना? तो सेम डिडक्शन, अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल गेन। लास्ट जो हमने सेक्शन देखा था सेक्शन नंबर 54GB, जो कि रिलेटेड था आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोला है, ध्यान रखिएगा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब लैंड भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है। सो किसका होना चाहिए? इंडिविजुअल या HEF का, और उससे जो भी पैसा आ रहा है आपको उसको इन्वेस्ट करना है एलिजिबल कंपनी में, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन या फिर कैपिटल गेन का अमाउंट, विच एवर इज लोअर, आपको यहाँ पे डिडक्शन दे दिया जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो। हमारे ये सारे सेक्शंस है डिडक्शन से रिलेटेड, सेक्शन नंबर 54 टू सेक्शन नंबर 54GB। इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे व्यू देने की कोशिश की है, सारे सेक्शंस को हमने एक ही पेज में कवर करने की कोशिश की है। तो ये शॉर्ट व्यू है, इन डिटेल आपको पूरे सेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, हमने कवर कर लिया सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 54। हमने बोला था कि हमारा जो कैपिटल गेन है उसमें कहाँ तक के सेक्शन है? 45 टू 55 कवर्ड है, लेकिन अभी हमने 54 तक कवर कर लिया। हमारा 55th नंबर वाला जो सेक्शन है वो अभी भी बचा है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। कौन से एसेट्स की बात हो रही है? ऐसे एसेट जो कि हमने खुद से जनरेट किए हैं, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। सो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं गुडविल, ठीक है। सो गुडविल भी हमारा क्या होता है? गुडविल भी सेल्फ जनरेटेड एसेट होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें, मिस्टर ए का एक बिजनेस था, उस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया था 1/4/2001 को, ठीक है, 1/4/2001 को स्टार्ट किया था उन्होंने। उस टाइम से ही अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किए, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड की, तो उनको उनका क्या हुआ, उनकी मार्केट में वैल्यू हो गई। अब ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते हैं, उन्हीं के पास से सर्विसेज लेते हैं, उन्हीं के पास से गुड्स खरीदते हैं, किसी और को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। इन दैट क्या केस क्या हो रहा है, मिस्टर ए की वैल्यू बढ़ गई। मिस्टर ए जो सामान बेचेगा हम वही जाके खरीदेंगे, तो ये क्या होगी उसकी, ये उसकी गुडविल है जो कि उसने खुद से जनरेट की है अपनी अच्छी अच्छे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फॉर एग्जाम्पल अब मिस्टर ए अपनी ये गुडविल को बेच रहे हैं, ठीक है, अपना बिजनेस जो है, उनका जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस वो उनको बेच रहे हैं टू मिस्टर बी। तो अब बिजनेस बेच रहे तो ऑफकोर्स सी बात है गुडविल भी ट्रांसफर होगी, है ना। तो बिजनेस की जो गुडविल थी वो गुडविल भी उन्होंने ट्रांसफर की, तो क्या ये गुडविल का वो कुछ प्राइस चार्ज करेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि उनके गुडविल के कारण ही पूरा काम उनका चलता था, तो ये गुडविल भी वो उनको ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी गुडविल ट्रांसफर कर रहे हैं एट द रेट ₹10 लाख। इन दैट केस मिस्टर बी के लिए क्या ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? आंसर इज नो, मिस्टर बी ने ये परचेस किया है गुडविल, है ना। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से खरीदा है गुडविल, इन दैट केस इनके लिए क्या होगा, ये परचेस्ड गुडविल होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है आपको। सो अब बताइए मिस्टर ए जब ये गुडविल अपनी बेच रहे होंगे, इन दैट केस उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी?
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हमको पता चल गया कि 10 लाख रुपए में उन्होंने बेचा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, तो क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए हैं क्या, उन्होंने किसी और से खरीदा था क्या गुडविल? आंसर इज नो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल उनकी खुद की थी, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उनके लिए निल रहेगा। लेकिन अगर मिस्टर बी, जो उन्होंने मिस्टर ए से गुडविल खरीदी है, ये गुडविल वो आगे जाके बेचते हैं, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा परचेस प्राइस जितने में उन्होंने खरीदा था, दैट इज 10 लाख रुपीज, वो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। मतलब अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है? निल। अगर आपने परचेस किया है गुडविल को तो उस समय हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेस प्राइस। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हो। सो नॉर्मली सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में हमारा गुडविल ऑफ अ बिजनेस भी कवर होता है, लेकिन उसके साथ साथ 7 पॉइंट्स है, ये 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हमारे माने जाते हैं। सबसे पहले आता है गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो मैंने आपको बता दिया बिजनेस के गुडविल के बारे में कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन कवर नहीं है, ध्यान रखना है आपको। अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन क्वेश्चन में आ जाए, इन दैट केस वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। इन डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। सो गुडविल ऑफ अ बिजनेस की बात हो रही है। नेक्स्ट बोल रहा है राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी थिंग और आर्टिकल। मतलब आपके पास राइट है कि आप मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें या प्रोसेस करें कोई भी आर्टिकल या कोई भी थिंग। नेक्स्ट राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। हमारे पास राइट होता है कि हम हमारा बिजनेस कैरी ऑन करें या प्रोफेशन कैरी ऑन करें, तो ये राइट हम परचेस भी कर सकते हैं, ये हमारा सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर डी है, मिस्टर डी और मिस्टर ई का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर डी के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने रेंट पे दे रखी है मिस्टर ई को, और मिस्टर ई इस जगह पे इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 साल के तक रह रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर डी को लग रहा है कि मुझे ये घर खाली करवाना है अपना, तो वो जाएगा मिस्टर ई के पास, मिस्टर ई को बोलेगा मिस्टर ई खाली करो, तो क्या मिस्टर ई एक बार में खाली कर देगा? हाँ भाई ले लो जाओ। मिस्टर ई बोलेगा मैं 30-40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो ऐसे तो खाली नहीं करने वाला, बहुत नाटक करेगा। इन दैट केस मिस्टर डी को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा मिस्टर ई को, तो ये जो कंपेंसेशन वो पे कर रहा है वो किस लिए पे कर रहा है? उसके टीनेंसी राइट के लिए पे कर रहा है, ठीक है। सो ये टीनेंसी राइट मिस्टर ई के लिए क्या है? सेल्फ जनरेटेड है, या फिर आप अपने लिए परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो अभी एग्जांपल देखा, मिस्टर ई 30-40 साल से वहां रह रहा था, इसलिए वो उसकी सेल्फ जनरेटेड टीनेंसी राइट थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस। बिजनेस का ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांड नेम होता है, और साथ साथ उसका ट्रेडमार्क, दैट इज लोगो, ये सब चीजें भी होती है। तो ये सब चीजें एक बिजनेस में आप अपना खुद से खुद का जनरेट कर सकते हैं, या किसी और के बिजनेस का आप परचेस कर सकते हैं। आपने अपना खुद का जनरेट किया, इन दैट केस सेल्फ जनरेटेड। अगर आपने उसको किसी और से परचेस किया, इन दैट केस परचेस्ड कहलाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट परमिट्स। रूट परमिट्स क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर रूट में, फॉर एग्जांपल ए से बी रूट का हमने रूट परमिट ले लिया है कि इस जगह पे सिर्फ हम ही चलेंगे, हमारे अलावा किसी और की गाड़ियां नहीं चलेंगी, इन दैट केस ये क्या कहलाता है? रूट परमिट कहलाता है। तो ये रूट परमिट आपका सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है, आपने परचेस किया भी हो सकता है, ठीक है। सो सेल्फ जनरेटेड है, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल रहेगी, परचेस किया है, इन दैट केस परचेस प्राइस, है ना। लूमार्स, ये लूमार्स क्या होता है? लूमार्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीन है, वो मशीन 24 आवर्स आप उसको काम करवा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसको 10 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, 14 आवर्स वो यूज़ ही नहीं हो रही है। तो मिस्टर ए की मशीन थी, मिस्टर बी उनके पास आया और बोला कि आज 14 आवर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं उस टाइम पे यूज़ कर लूँ? इन दैट केस ये उस पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करने का राइट आपसे लेना चाह रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो ये सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है, परचेस भी हो सकता है, ठीक है। सो अब आती है बात, मैंने आपको 7 पॉइंट समझा दिए, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के अंदर ये 7 एसेट्स ही बस आएंगे, इसके अलावा कोई और एसेट सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ें, एज पर सेक्शन नंबर 55(2)(a) फॉलोइंग एसेट्स आर सेल्फ जनरेटेड एसेट इफ दे आर नॉट परसेड। मतलब यही सारे एसेट्स, फॉलोइंग एसेट्स मतलब यही सारे एसेट्स ही हमारे सेल्फ जनरेटेड होंगे, इसके अलावा कोई और एसेट हमारा सेल्फ जनरेटेड नहीं होगा। सेल्फ जनरेटेड कब होगा? जब आपने इसको परचेस नहीं किया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट्स में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सो गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है सेल्फ जनरेटेड पे? निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपने उसको परचेस किया है तो क्या होगा?
परचेस प्राइस, हमने अभी एग्जांपल देखा परचेस किया है तो परचेस प्राइस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है। सिमिलर वे में राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनीथिंग और आर्टिकल, यहाँ पे भी अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, परचेस किया है तो परचेस प्राइस। नेक्स्ट हमको बोल रहा है राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, ये अगर आपका सेल्फ जनरेटेड है इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, अगर आपने परचेस किया है इन दैट केस परचेस प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सिमिलर वे में टीनेंसी राइट के लिए भी होगा निल और परचेस प्राइस अगर आपने उसको परचेस किया है। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम भी आपका खुद से जनरेटेड है तो इन दैट केस निल रहेगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और परचेस प्राइस बनेगा आपका अगर आप उसको परचेस कर रहे हैं तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलर वे में रूट परमिट के लिए और लू मार्क्स के लिए भी सेम चीज रहेगा, दैट इज अगर सेल्स जनरेटेड है तो निल, अगर आपने परचेस किया है इन दैट केस परचेस प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। अब आती है बात कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। सो इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया कि ये जो फर्स्ट के 3 पॉइंट्स हैं इनके लिए आपको इम्प्रूवमेंट हमेशा लेना है निल, कभी भी इम्प्रूवमेंट कराओ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे निल ही रहने वाला है। लेकिन लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे टीनेंसी राइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, रूट परमिट्स एंड लूमार, इनके लिए बोला गया कि जितना इम्प्रूवमेंट आपने कराया है वो इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा फॉर टीनेंसी राइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एंड रूट परमिट्स एंड लूमार्स, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो ये पॉइंट। ये मेन चार्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है सेक्शन नंबर 55(2)A के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जनरेटेड बिफोर 1/4/2001। फॉर एग्जाम्पल हमने गुडविल जनरेट की, मिस्टर ए जिसने गुडविल जनरेट की और ये गुडविल जो है उन्होंने जनरेट की, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/1/1999 को, ठीक है, 1/1/1999 को उन्होंने जनरेट की थी। सो इसके बाद 1/1/1999 के बाद हमारा 1/4/2001 आता है। सो हम क्या करते हैं नॉर्मल केसेस में, हम क्या करते हैं 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर आपका ये ऊपर के जो भी हमने सेल्फ जनरेटेड एसेट्स देखा है अगर आपने उसको सेल्फ जनरेट किया है इन दैट केस या फिर आपने उसको परचेस किया है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, आपने डेवलप किया है या आपने परचेस किया या आपने सेल्फ जनरेट किया इन दैट केस उससे इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करेंगे। इफ अफोर्सेड एसेट्स आर डेवलप्ड, अगर आप इसको डेवलप करते हैं या परचेस करते हैं बिफोर 1/4/2001, मतलब हमने ये गुडविल किसी और से खरीदी, कब खरीदी 1/1/1999 को, ठीक है, कितने पे खरीदी, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पे खरीदी और 1/4/2001 को वैल्यू हो गई थी 15 लाख, तो बोला जा रहा है इस वैल्यू को आपको कंसिडर नहीं करना है ऊपर के सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के लिए, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट परचेस किए गए हैं और डेवलप हुए हैं बिफोर 1/4/2001 देन फेयर मार्केट वैल्यू का जो ऑप्शन हमको मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा ऊपर के सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए की गुडविल थी गुडविल ऑफ बिजनेस फॉर ₹10 लाख, ठीक है, ये उनकी थी, ये उन्होंने ट्रांसफर कर दिया 10 लाख रुपीज में, किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, कब ट्रांसफर किया 1/4/1999 को मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 10 लाख रुपीज में। सो मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन गई, 10 लाख रुपीज बन गई। अब आ रहा है बात 1/4/2001 का, सो 1/4/2001 को इस गुडविल की वैल्यू हो गई 15 लाख, इन दैट केस हम विच एवर इज हायर लेते हैं, लेकिन इस केस के लिए बोला गया क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है, भले ही आपने इसको परचेज क्यों ना किया हो लेकिन हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या वैल्यू लेंगे, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख ही रहेगी, 15 लाख नहीं बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट, हमको पता है कि ऊपर के साथ हमको सेल्फ जनरेटेड एसेट दिए हुए, लेकिन क्या उसके अलावा कोई और सेल्फ जनरेटेड एसेट नहीं हो सकता, आंसर इज नो, और भी कई सारे एसेट्स हैं जो कि सेल्फ जनरेटेड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, ये भी सेल्फ जनरेटेड होती है ना। नेक्स्ट हम देखें अगर तो हमारे पास ट्रीज ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, ट्रीज अपने आप खुद से ग्रो हो गए तो इन दैट केस ये भी सेल्फ जनरेटेड है। सो ये सारे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हमारे ऊपर की डेफिनेशन में कवर नहीं है,
तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो बोला जा रहा है, देखिए सेक्शन नंबर 55(2)(a) हमको जो लिस्ट देता है 7 सेल जनरेटेड एसिड की, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इनके अलावा कोई और इसके अंदर एसिड्स इंक्लूड नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ऊपर के जो 7 सेल जनरेटेड एसिड बताया गया उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और इसके अलावा कोई और अगर सेल जनरेटेड एसेट होगा जो कि ऊपर मेंशन नहीं है, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, सो हमारे ऊपर के जो 7 सेल जनरेटेड एसेट है सिर्फ वही टैक्सेबल होंगे, बाकी अगर कोई और सेल जनरेटेड एसेट होता है तो वो पूरी तरीके से आपके लिए एग्जेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोनस शेयर्स एंड राइट एंटाइटलमेंट्स। अब ये बोनस शेयर्स और राइट एंटाइटलमेंट्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है वो मैं आगे के सेक्शंस में आपको बताऊंगी, अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ऊपर के 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट, उनको छोड़ के कोई और सेल्फ जनरेटेड एसेट पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आने वाला है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो आपको ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 55(2)(a). अब हम आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 ICMA की बुक का हम देख रहे हैं। लीजा ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 2/5/2019 को उसने ट्रांसफर किया है। डिटरमाइन आपको करना है कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। क्या बोल रहा है, देखिए लैंड अक्वायर्ड इन 1976 में हमने लैंड खरीदा है, क्या लैंड सेल्फ जनरेटेड एसेट है? आंसर इज नो, सेल्फ जनरेटेड एसेट नहीं है। तो नॉर्मली जैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा लैंड का, कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दी हुई है और सेल वैल्यू दी हुई है। इसके बाद के हमारे एसेट्स देखे तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस, क्या सेल्फ जनरेटेड एसेट है? आंसर इज यस, सेल्फ जनरेटेड है। एसेट के डेफिनेशन के अंदर कवर होती है, सबसे पहले चेक करना है कि सेल्फ जनरेटेड है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट निल बोल दिया गया, इन दैट केस ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है। सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर भी कवर्ड है और सेल्फ जनरेटेड एसेट भी है। मार्केट वैल्यू भी दी हुई है आपको, 1/4/2001 की सेल वैल्यू आपको अवेलेबल है। टीनेंसी राइट, क्या सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है? आंसर इज यस। क्या सेल्फ जनरेटेड एसेट है? आंसर इज यस, क्योंकि कॉस्ट उसके निल है। गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, क्या सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है? आंसर इज दो। सो अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है लेकिन सेल्फ जनरेटेड एसेट है, कैसे पता चला? उसकी कॉस्ट निल है, है ना। इन दैट केस इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट रहेगा। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो सेल्फ जनरेटेड एसेट है, इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सो हमारा गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन एग्जेम्प्ट रहेगा, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो ये पूरी चीजें हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है। सो लास्ट में आपको दे रहा है ब्रोकरेज पेड ऑन ट्रांसफर 2%। अब आते हैं ऊपर की चीजों पे, तो लैंड पे नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, बाकी बचे हुए दो पे अगर आप देखें तो क्या मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कोई वैल्यू की है? आंसर इज नो, हमने अभी देखा है कि 1/4/2001 की वैल्यू हमको नहीं लेनी है, तो ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई हो। तो हमारे लिए ये एग्जेम्प्ट रहने वाला है गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, बचा क्या? लैंड बचा, गुडविल ऑफ बिजनेस बचा और टीनेंसी राइट बचा, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल होने वाले हैं। टैक्सेबिलिटी किस तरीके से आएगी वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या दिया हुआ है। हम लैंड का पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, लैंड का नॉर्मल होगा। सेल वैल्यू आपको 30 लाख दी हुई है, सो 30 लाख हमारा बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या कोई एक्सपेंस हुआ है? आंसर इज नो, तो नेट सेल कंसिडरेशन, सॉरी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमारे पास दिया हुआ है 2% का। सो ये 2% हमको कंसिडर करना है, 30 लाख का 2% दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज का एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है। हमारे पास बच रहा है नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 29,40,000। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो हमने ये एसेट एक्वायर किया था 25,000 में 1976 को, लेकिन मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की क्या है? 1 लाख। तो हम क्या कंसिडर करते हैं? विच एवर इज हायर, तो हम 1 लाख कंसिडर करेंगे। सो हमारा हो गया 1 लाख इंटू 289, क्योंकि 1920 में ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100। सो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2,89,000 रुपीज। सो 2,89,000 रुपीज हमारे पास यहाँ आ रहा है, इंप्रूवमेंट हमने कुछ किया नहीं है। एट लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ऑफ 26,51,000। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगी यहाँ पे। ये हमारा 29,40,000 था, ठीक है, 29,40,000 माइनस 2,89,000 दैट इज इक्वल टू 26,51,000। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज गुडविल ऑफ अ बिजनेस। गुडविल ऑफ अ बिजनेस हमने कितने पे सेल किया है? 2 लाख पे सेल किया है।
क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है? आंसर इज यस, 2% हमको बोल दिया है ब्रोकरेज पे किया हमने ट्रांसफर पे। तो हमने सब कुछ ट्रांसफर किया तो जो जो चीज आपने ट्रांसफर की उन सब पे आपका ब्रोकरेज यहाँ पे आएगा। तो 2 लाख का 2% दैट इज इक्वल टू 4,000 रुपीज हमारा ब्रोकरेज है। एट लास्ट यहाँ पे नेट सेल कंसिडरेशन आ रहा है 1,96,000। गुडविल ऑफ अ बिजनेस क्या सेल्फ जनरेटेड थी? आंसर इज यस, सेल्फ जनरेटेड थी। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल रहेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निल रहेगा। एट लास्ट हमारे पास आ रहा है 1,96,000 रुपीज गुडविल ऑफ अ बिजनेस। टीनेंसी राइट, टीनेंसी राइट आपको कितने पे हमने सेल किया है? ये सेल किया है 3 लाख रुपीज पे और इस पे ब्रोकरेज पे किया है 2% दैट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। तो हमारे पास बच रहा है 2,94,000 रुपीज। क्या कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी? तो सेल्स जनरेटेड है, कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया नहीं है इसलिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमने बोला था कि ऊपर के 3 पॉइंट्स दैट इज गुडविल कवर्ड था, उसमें राइट्स कवर्ड थे, है ना, उनको छोड़ के टीनेंसी राइट ये सब जो लास्ट में पॉइंट्स थे उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट हम कवर करते हैं। ऊपर के 3 पॉइंट्स में कवर नहीं करेंगे, नीचे के 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे, ठीक है। सो इसमें कवर्ड है इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कॉस्ट दिया नहीं है इसलिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। एट लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास आ रहा है 2,94,000। आई होप क्लियर हुआ हो, बहुत ईजी था क्वेश्चन हमारा, है ना। हमको बस पॉइंट्स ध्यान पे रखना है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन और उस तरीके से क्या ट्रीटमेंट उस पर होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 55(2AA) क्लॉज 3A रिलेटेड टू कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की बात की जा रही है। बोनस शेयर्स को मैं आपको समझा दूं तो बोनस शेयर्स होते क्या है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मिस्टर ए है और हमारे पास ए बी सी लिमिटेड कंपनी। मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड के 1,000 शेयर्स खरीदे ऑन 1/4/2001। 1/4/2001 को उन्होंने 1,000 शेयर्स खरीदे एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। 1/4/2001 को खरीदा है इन्होंने। एबीसी लिमिटेड ने अब क्या कर रही है, वो बोनस शेयर्स इशू कर रही है। बोनस शेयर्स होते क्या है आपको क्लियर हो जाएगा, मैं समझाते जाती हूँ। बोनस शेयर्स मतलब फ्री शेयर्स। फ्री शेयर्स मतलब मिस्टर ए को इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मिस्टर ए को बोनस शेयर्स मिलेंगे कितने, तो कंपनी इशू कर रही है 1:2। मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं पहले से, इन दैट केस आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं, 1,000 शेयर्स पहले से है, इन दैट केस मिस्टर ए को मिलेंगे कितने शेयर्स, तो मिस्टर ए को मिलेंगे 500 शेयर्स बोनस शेयर्स, ठीक है। 500 बोनस शेयर्स मिलेंगे, दैट इज फ्री शेयर्स, आपको इसके लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है बोनस शेयर्स, जिसमें आपको कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्री आपको मिलता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो। बोनस शेयर के कंपनी कितना भी ऑफर कर देती है, आंसर इज नो। आपके पास जितने शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शनेटली आपको बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो आप बताइए ये बोनस शेयर्स का कोई कॉस्ट पड़ा क्या मिस्टर ए को? मिस्टर ए ने इसके लिए कुछ भी पैसे खर्च किए क्या? आंसर इज नो। तो अगर मिस्टर ए इसको आगे फर्दर ट्रांसफर करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आंसर इज, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए? निल होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ हो। अब इससे रिलेटेड पॉइंट समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या लेनी है। सेल कंसिडरेशन, तो सेल कंसिडरेशन हम एज यूजुअल लेंगे, जितना अमाउंट आपका सेल आपने किया होगा उतना अमाउंट लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो लिया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट कब से होगा? बोनस शेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, ओरिजिनल शेयर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? बोनस शेयर्स की। सो बोनस शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लेंगे जब आपको अलॉटमेंट हुआ है ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब जब आपके हाथ पे बोनस शेयर्स आए हैं तब से आपको उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो हमको पता है अगर लिस्टेड कंपनी होती, इन दैट केस शेयर्स के लिए टाइम कितना रहता है? 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अगर अनलिस्टेड है, इन दैट केस शेयर्स के लिए क्या होता है? 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो होनी चाहिए निल। कैसे पता चला हमको? तो देखिए बोल रहा है इफ बोनस शेयर्स आर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। हमको पता कैसे चला? क्योंकि हमको कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ी थी, तो हमारे लिए ऑफकोर्स ही बात है कि जब हम इसको सेल करना चाहेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल आएगी। सो बोला गया कि अगर आप 1/4/2001 के बाद
अगर आपको अलॉट हुए या उस दिन आपको अलॉट हुए, इन दैट केस बोनस शेयर्स की वैल्यू तो आप निल ले लीजिएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले लीजिएगा। लेकिन अगर बिफोर 1/4/2001 अगर आपको बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं, इन दैट केस आपको वैल्यू लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया। अगर पुराने सेल जनरेटेड एसेट्स में आप देखें तो क्या ये पॉइंट था? आंसर इज नो, ये पॉइंट नहीं था। ये पॉइंट ये बोनस शेयर्स के लिए ऐड किया गया। अब अगर हम ऊपर की डेफिनेशन देखें जहां पे बोला जा रहा था कि एग्जेम्प्ट रहेगा एक्सेप्ट ऊपर के साथ सेल्फ जनरेटेड एसेट और एक्सक्लूडिंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को एक्सक्लूड क्यों किया गया है? तो देखा जाए तो बोनस शेयर्स भी हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट है। कैसे सेल्फ जनरेटेड एसेट है? हमारे पास 1000 शेयर्स थे, हमने क्या कोई भी खर्चा किया है क्या बोनस शेयर्स खरीदने के लिए? आंसर इज नो। तो ये 500 बोनस शेयर्स हमको मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट। किसके किसके लिए? क्योंकि हमारे पास ये 1000 शेयर्स थे इसलिए हमको 500 शेयर्स मिले हैं। इन दैट केस ये हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट होते हैं और ये टैक्सेबल भी होते हैं, इसलिए ऊपर बोला गया कि एक्सक्लूडिंग बोनस शेयर्स, क्योंकि बोनस शेयर्स टैक्सेबल होते हैं। और बाकी अगर ऊपर के सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को हम देखें तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम हमेशा क्या लेते हैं? निल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर बोनस शेयर का केस है ऑन और आफ्टर 1/4/2001 आपको अलॉट हो रहा है, इन दैट केस निल लेना है। और बोनस शेयर्स अगर आपको अलॉट हो रहे हैं बिफोर 1/4/2001, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बनेगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। आई होप क्लियर हुआ हो सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू बोनस शेयर्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको इस टॉपिक पे। क्वेश्चन देखिए, मिस्टर रॉकी परचेज 1000 शेयर्स इसने खरीदे हैं आजाद प्राइवेट लिमिटेड के ₹12 पर शेयर। कब खरीदे हैं? 1/8/1998। तो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, 1/8/1998 को हमने खरीदे थे, मतलब ये हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे जिसके लिए हमने पैसा पे करके उसको खरीदा। कितने शेयर्स खरीदे? 1000 शेयर्स हमने खरीदे एट द रेट ₹12 पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंपनी ने डिक्लेयर किया 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। हमारे हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। मतलब कैसे कैलकुलेट होगा? 1000 इनटू मिलने कितने वाले 1 शेयर, किसके बदले? 2 शेयर के बदले। तो हमको कितने मिलेंगे? 500 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले। कब बोनस शेयर इशू किया है कंपनी ने? तो बोला जा रहा है कि 31 मार्च 2000 को, 31 मार्च 2000 को कंपनी ने ऑफर किया है बोनस शेयर्स। कितने बोनस शेयर्स ऑफर किए गए हैं? 500। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, 7/7/2006 को, तो 7/7/2006 को क्या हो रहा है? रॉकी को 500 शेयर्स मिले उसी पर्टिकुलर कंपनी के गिफ्ट के थ्रू, उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया है। तो गिफ्ट के थ्रू हमको मिल रहे हैं शेयर्स, कितने शेयर्स मिल गए? 500 शेयर्स मिल गए, ठीक है। ये किसके शेयर्स थे? राकेश के शेयर्स थे। राकेश कौन है? नॉन रिलेटिव है, ध्यान रखिएगा। सो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे इसकी? राकेश के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी जितने पे उसने एक्वायर किया था, वो हमारी दैट इज रौनक के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। सो उसने एक्वायर किया था 1/4/2001 को एट द रेट ₹14 पर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद बोला जा रहा है 1/3/2019 को कंपनी ने और बोनस शेयर्स इशू किए, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है? 1/3/2019 बोनस शेयर्स इशू किए कंपनी ने। क्या बोल रहा है? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हमारे पास इन टोटल अभी कितने शेयर्स हैं? ये 1000 शेयर्स, ये 500 शेयर्स, ये 500 शेयर्स, दैट इज इक्वल टू 2000 शेयर्स हमारे पास हैं। एक शेयर मिलेगा कितने के लिए? 5 शेयर के बदले, मतलब हमको 400 शेयर्स और मिलेंगे बोनस शेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये 4 तरीके से हमको शेयर्स मिले। एट लास्ट 1/1/2020 को हमने सारे शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच पे सेल कर दिया। अब आपको बताना है कि क्या ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है 1/8/1998 की वैल्यू है एट द रेट ₹12 पर शेयर, मतलब हम चेक करेंगे कि 1/4/2001 की वैल्यू क्या है और विच एवर इज हायर हम कंसिडर करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 1/4/2001 का हमको वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है कि राकेश ने एक्वायर किया था वो शेयर 1/4/2001 को एट द रेट 14 पर शेयर। मतलब ऑफकोर्स ही बात है, उसने एक्वायर किया 14 पर शेयर पे, तो वैल्यू 14 पर शेयर चल रही होगी। तो 1/4/2001 की वैल्यू क्या हो गई? 14 पर शेयर। हमने खरीदा था 12 पर शेयर, विच एवर इज हायर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है। तो यहाँ पे एट द रेट ₹14 पर शेयर आपको कंसिडर करना है, ना कि ये 12 पर शेयर वाली वैल्यू। अब आती है बात बोनस शेयर्स की, कब इशू हुआ है? 31 मार्च 2000 को, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है,
आंसर इज यस. पहले हुआ है तो हमको क्या लेना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001. सो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, दैट इज 14 पर शेयर यहाँ पे भी वैल्यू हो गई. नेक्स्ट गिफ्ट वाला केस देखे तो इसमें एज प्रीवियस ओनर का 14 पर शेयर कॉस्ट था, तो वही हमारा कॉस्ट बनने वाला है 14 पर शेयर. एट लास्ट आता है लास्ट वाले बोनस शेयर जो कि इशू हुए आफ्टर 1/4/2001. इन दैट केस इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, निल होगी. आई होप क्लियर हुआ. हमने सबकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख ली, इसकी 14 पर शेयर, इसकी 14 पर शेयर, इसकी 14 पर शेयर, यहाँ पे निल. ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी. सबसे पहले पीरियड देख लीजिए, तो ये 1/8/1998 को खरीदा गया था, सेल कब हो रहा है 1/1/2020 को. लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, 2000 को इशू हुआ था 2020 को बेच रहे लॉन्ग टर्म, 2006 को मिला था 2020 को बेच रहे लॉन्ग टर्म, और एट लास्ट 2019 को मिला था 2020, मतलब उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर बेच रहे तो शॉर्ट टर्म. तो हमारा जो लास्ट वाला बोनस शेयर है वो बस शॉर्ट टर्म है, बाकी सारे हमारे लॉन्ग टर्म है. ध्यान दीजिएगा ये बोनस शेयर कौन से हैं, एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 से पहले वाले हैं, और ये हैं आफ्टर 1/4/2001 वाले बोनस शेयर. ठीक है, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने पे बिक रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कितने कितने शेयर है. ओरिजिनल 1000 है, ये 500 है, ये 500 है, और ये 400 है. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, एट द रेट ₹50 ईच हमने बेचा है, उसके हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000 × 50, दैट इज इक्वल टू 50,000. यहाँ पे बन गया हमारा कंसिडरेशन 500 × 50, दैट इज इक्वल टू 25,000. 500 × 50, दैट इज इक्वल टू 25,000. एंड एट लास्ट 400 × 50, दैट इज इक्वल टू 20,000 यहाँ की कॉस्ट बन गई. ठीक है, सो ये हो गई कॉस्ट. अब मैं स्पेसिफिकली एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम ओरिजिनल शेयर का कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है क्या, आंसर इज नो, हमने कोई भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं किया है. तो नेट सेल कंसिडरेशन हमारे पास आ रहा है 50,000. एज ये हमारे कौन से एसेट थे, लॉन्ग टर्म थे, ये चारों आपके लॉन्ग टर्म है, ये वाला हमारा शॉर्ट टर्म है, बाकी तीन हमारे लॉन्ग टर्म है. ठीक है, सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सो हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, हमने क्या बोली कॉस्ट रहेगी 14 पर शेयर. सो 1000 शेयर्स कॉस्ट रहेगी 14 पर शेयर. एक्वायर कब किया था, 2001 से पहले, इन दैट केस इंडेक्सेशन कब का मिलेगा 2001 के हिसाब से, तो 289/100. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आएगी 40,460. सिमिलर वे में नेक्स्ट कैलकुलेट करें तो नेक्स्ट हमारे पास बोनस शेयर्स आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या लेनी है 14 पर शेयर. कौन से बोनस शेयर है 1/4/2001 से पहले के हैं, तो इंडेक्सेशन कितना मिलेगा, इंडेक्सेशन 1/4/2001 का मिलेगा. सो 500 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 14 × 289/100, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 20,230. नेक्स्ट गिफ्टेड शेयर से, गिफ्ट मिला कब है, तो गिफ्ट हमको मिला है 7/7/2006 को, है ना. कॉस्ट क्या लेनी है 14 पर शेयर, इंडेक्सेशन कब से होगा 2006-07 का इंडेक्सेशन बेनिफिट हमको मिलेगा. सो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 14 × 289/2006-07 का अगर आप इंडेक्सेशन देखें तो ये वैल्यू आएगी आपकी 122. उसके हिसाब से यहाँ कॉस्ट बनने वाली है आपकी 16,582. लास्ट केस जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस बोनस शेयर्स की हमको क्या लेनी है, तो लास्ट वाले के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको निल लेनी है. रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्या कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ, आंसर इज नो, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट भी हमारे पास निल आ जाएगा. एट लास्ट हमारे पास कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है. कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 4,540. नेक्स्ट केस में भी लॉन्ग टर्म आने वाला है ऑफ 4,770. नेक्स्ट केस में भी हमारा लॉन्ग टर्म है ऑफ 8,418. और लास्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म आ रहा है ऑफ 20,000. आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से ये सारी कैलकुलेशंस होंगी रिलेटेड टू बोनस शेयर्स. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है समझिएगा. नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर एंड राइट एंटाइटलमेंट. हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट शेयर या फिर राइट एंटाइटलमेंट. अब ये दोनों क्या होते हैं उसको पहले समझिएगा, फिर हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं. सो हम एग्जांपल ले रहे हैं मिस्टर ए और एबीसी लिमिटेड का.
ठीक है, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स हैं एबीसी लिमिटेड के, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स इसने खरीदे हैं ऑन 1/4/2001, कितने पे खरीदे, एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। सो ये शेयर्स उसने खरीद लिए थे 1/4/2001 को। अब ये क्या बन गए, ये बन गए एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर, क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। अब शेयर होल्डर बन गए तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, पहली बात क्या मिलता है इनको, वोटिंग राइट मिलता है ना, साथ साथ एक और बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, अगर ये कंपनी कभी भी न्यू शेयर्स इशू करने जाएगी ना, जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करने जाएगी तो कंपनी का काम है, क्या काम है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना कि आप ये शेयर्स लेना चाहते हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, मतलब हम अभी सिर्फ मिस्टर ए का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये मिस्टर ए के पास जाएगी, मिस्टर ए को बोलेगी क्या आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो अगर हम देखें जो न्यू शेयर कंपनी इशू करने जा रही है उसकी मार्केट प्राइस एट द रेट ₹400 पर शेयर है, लेकिन कंपनी इसको इशू कितने पे कर रही है, कंपनी बोल रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप खरीद सकते हैं इन शेयर्स को ₹300 पर शेयर पे, ठीक है। सो 400 मार्केट वैल्यू है, हम आपको ये शेयर 300 पे इशू करने हैं, तो आप चाहें तो आप इनको खरीद सकते हैं। मतलब कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो खरीदो, नहीं चाहो तो मत खरीदो। क्या बोनस शेयर्स में ऐसा होता है, आंसर इज नो। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो हमको शेयर्स फ्री में मिलते हैं, हमको उसको खरीदना नहीं पड़ता, हमको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है हर शेयर के लिए 300, भले ही मार्केट में 400 वैल्यू हो, लेकिन ₹300 हमको पे तो करना पड़ रहा है ना। अगर देखा जाए तो हमारे शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बेनिफिट कितना हो रहा है, 100 पर शेयर अगर वो इस शेयर्स को खरीदते हैं तो ये चॉइस है हमारे शेयर होल्डर्स के पास कि वो चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो ना खरीदे। क्या कंपनी बोलेगी जितने शेयर्स खरीदना उतने शेयर्स खरीद लो, आंसर इज नो। कंपनी बोलेगी कुछ अमाउंट दे देगी, जैसे कि कंपनी ने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 1:2, मतलब हर एक शेयर के बदले, मतलब हर दो शेयर के बदले हम आपको एक राइट शेयर इशू करेंगे, जितने शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हैं उसमें हर दो शेयर के बदले आपको एक राइट शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑफर दिया जाएगा उनको। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कंपनी बनाती है एक ऑफर लेटर, ये ऑफर लेटर वो बनाती है स्पेसिफिकली अपने शेयर होल्डर्स के हिसाब से। तो ये ऑफर लेटर वो भेज रही है, किसको भेज रही है, मिस्टर ए को। तो कंपनी को पता है कि मिस्टर ए के पास ओरिजिनली शेयर्स कितने हैं, मिस्टर ए के पास है 1000 शेयर्स। तो कंपनी ने बोला कि हम 1:2 पे इशू कर रहे हैं, मतलब हम आपको राइट शेयर इशू ऑफर कर रहे हैं 500, आप चाहें तो ये 500 शेयर्स खरीद सकते हैं एट द रेट ₹300 ईच, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है ₹400 ईच, हम आपको 300 में ऑफर कर रहे हैं। तो कंपनी एक ऐसा ऑफर लेटर देगी मिस्टर ए को, मिस्टर ए के पास चॉइस है, वो चाहे तो ये शेयर्स खरीदे चाहे तो ना खरीदे, ठीक है। सो ये शेयर्स खरीदने के लिए उनको टाइम पीरियड भी दिया जाएगा, उनको 30 डेज के अंदर कंपनी को बताना है कि आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर मिस्टर ए को एबीसी लिमिटेड को बताना पड़ेगा कि वो ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं कि। अब देखिए मैं आपको इसके अंदर केसेस बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि मिस्टर ए ने ये जो राइट शेयर इशू ऑफर हुए थे, राइट शेयर जो ऑफर किए गए थे वो पूरे के पूरे शेयर्स उसने परचेस कर लिए सेम प्राइस पे। इन दैट केस अब बताइए कि उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, मतलब अगर मिस्टर ए इसको फर्दर ट्रांसफर करता है आगे जाके कभी भी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। ऑफ कोर्स ये बात है जितने पे उसने शेयर्स खरीदा है, उसने कितने शेयर्स खरीदे, पूरे के पूरे शेयर्स कितने ऑफर हुए थे उसको, 500 ऑफर हुए थे, कितने पे ऑफर हुए थे, 300 पे ऑफर हुए थे। तो 500 × 300 दैट इज इक्वल टू 150,000 रुपीज के शेयर्स, ये पूरा उसका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर उसने पूरे के पूरे जो भी राइट शेयर ऑफर हुए थे वो परचेस कर लिए। नेक्स्ट केस लेते हैं जहां पे मिस्टर ए को जो राइट शेयर ऑफर हुए थे वो उसने खरीदा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोल दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद तक उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। इन दैट केस उसके पास ये शेयर्स आए क्या, आंसर इज नो। उसके पास ये शेयर्स ही नहीं आए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात ही नहीं आती है ना। नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस को समझाने के लिए मुझे इसको डिटेल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमने बोला मिस्टर ए के पास ऑफर आया, कितने शेयर्स का आया, राइट शेयर का आया, कितने शेयर्स, 500 शेयर्स का एट द रेट ₹300 ईच, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है इस टाइम,
मार्केट वैल्यू चल रही है एट द रेट ₹400 ईच, है ना। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जहाँ पे मिस्टर ए का एक फ्रेंड है मिस्टर बी। मिस्टर ए को लग रहा है कि मुझे नहीं खरीदना ये बिना मतलब पर ₹300 एक्स्ट्रा क्यों फंसाऊं मैं, तो उसने बोला कि मैं नहीं खरीदता, छोड़ो टाइम लैप्स होने हो जान दो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, है ना। इसने ये डिसाइड कर लिया था। सो 25 डेज तो बीत गए, हमको कितना टाइम मिला था, 30 डेज का टाइम मिला था, 25 डेज चलेगा। उसके बाद मिस्टर बी का कॉल आता है, मिस्टर बी मिस्टर ए के फ्रेंड है, मिस्टर बी का कॉल आता है मिस्टर ए के पास कि मिस्टर ए तूने तो खरीद के रखे हैं ना एबीसी लिमिटेड के शेयर्स, तो उसने बोला कि हाँ मैंने खरीद के रखे हैं। तो मिस्टर बी ने बोला कि उसमें तो अभी राइट इशू आया है ना, तो क्या वो शेयर्स खरीद रहा है तू, तो मिस्टर ए ने बोला कि मैं नहीं खरीद रहा हूँ भी, मुझे लग रहा है बिना मतलब के पैसे क्यों डालो उसमें। तो मिस्टर बी ने बोला कि ठीक है तू नहीं खरीद रहा ना, तो वो जो तू राइट शेयर का ऑफर तेरे पास आया है ना, राइट शेयर का ऑफर लेटर जो लेटर हमने देखा था, ये लेटर तू मुझे दे दे, मैं वो शेयर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैं वो शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो समझिएगा मिस्टर बी अगर मिस्टर ए से वो शेयर खरीदता है, इन दैट केस उसको वो शेयर्स कितने पे मिल जाएंगे, 300%। मिस्टर ए से नहीं खरीद रहा है, वो उसके राइट शेयर के ऑफर लेटर से खरीद रहा है, इन दैट केस उसको 300% पे मिल जाएगा, जबकि मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, 400%, है ना, 400% मार्केट में वैल्यू चल रही है, लेकिन मिस्टर ए बी को ये शेयर्स 300% में मिल जाएंगे। तो मिस्टर ए ने सोचा यार इसको डायरेक्ट ₹100 per share फायदा हो रहा है, तो पूरा का पूरा फायदा इसको क्यों दूँ जबकि ऑफर लेटर मेरे पास आया था। तो मिस्टर ए ने बोला यार मैं पूरे जो ऑफर लेटर है वो तेको दे तो दूंगा, लेकिन पूरा ₹100 का बेनिफिट तू क्यों लेगा, हम बेनिफिट शेयर कर लेते हैं। तो मिस्टर बी ने बोला कि ठीक है हम बेनिफिट शेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मिस्टर ए अपना जो ऑफर लेटर दे रहा है उसके बदले मिस्टर बी उसको पे करेगा, कितना पे करेगा, ₹40 per share। बेनिफिट कितना हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था 100% का, लेकिन मिस्टर ए कितना ले रहा है मिस्टर बी से, वो सिर्फ ले रहा है 40 per share, मतलब 60% का बेनिफिट किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है मिस्टर बी को, ठीक है। सो 40% का बेनिफिट मिस्टर ए के पास जा रहा है और 60% का बेनिफिट मिस्टर बी को मिल रहा है, इन दैट केस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मिस्टर ए अगर मार्केट से खरीदता तो ₹400 पे करने पड़ते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ₹340 पे करके वो वही शेयर्स खरीद सकता है। सिमिलरली मिस्टर ए अपने राइट शेयर का जो ऑफर है वो उसको दे रहा है, तो उसको भी 40% का बेनिफिट हो रहा है, इन दैट केस दोनों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो होता है जहाँ पे हमने हमारा जो ऑफर लेटर है वो किसको दे दिया, हमारे फ्रेंड को दे दिया, किसी और को दे दिया, तो हमने क्या कर दिया, हमारा राइट रिनाउंस कर दिया, मतलब राइट एंटाइटलमेंट वाली बात जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे हो रहा है, राइट रिनाउंस कर दिया, हमने अपना राइट किसी और को दे दिया, अब वो वाले शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है। सो ये सारा चीज मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से आप बताइए कि मिस्टर ए के लिए क्या कॉस्ट होगी, मिस्टर ए के लिए कॉस्ट क्या बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए ने क्या कोई शेयर्स खरीदे थे क्या, आंसर इज नो, मिस्टर ए ने कोई भी शेयर्स नहीं खरीदे थे। मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए सिर्फ अपना ऑफर लेटर ट्रांसफर कर रहा है, क्या उस ऑफर लेटर का उसको कुछ प्राइस पे करना पड़ा था क्या, आंसर इज नो, कंपनी वो सारे शेयर होल्डर्स को देती है वैसे उसको भी मिला था। इन दैट केस मिस्टर ए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं होगा राइट रिनाउंसमेंट के केस में, लेकिन उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा, कितने का बनेगा, 40% का बनेगा जितना उसने बेनिफिट कमाया है। तो कितने शेयर्स का ऑफर आया था, 500 का, फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा राइट उसने रिनाउंस कर दिया टू मिस्टर बी, इन दैट केस हर शेयर पे उसको 40 मिल रहा है प्राइस, तो उसके पास कितना आ रहा है, ₹20,000 उसका बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगा, एट लास्ट टैक्सेबल उसके लिए 20,000 हो जाएगा। अगर हम मिस्टर बी का केस ले जिसको हमने राइट दिया है अपना, इन दैट केस उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो उसके लिए वो तो शेयर्स खरीद रहा है 500 शेयर्स खरीद रहा है, कंपनी के शेयर्स कितने पे खरीद रहा है, 300 पे खरीद रहा है, साथ साथ उसको पर शेयर कितना रुपए पे करना पड़ रहा है मिस्टर ए को, 40 रुपीज, तो उसके लिए कॉस्ट क्या बन गया, 340 रुपीज पर शेयर। आई होप क्लियर हुआ हो, 500 शेयर्स के हिसाब से 340 पर शेयर उसकी कॉस्ट बन गई। सो ये था हमारा केस जहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट एंड राइट रिनाउंसमेंट की। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, बस एक शॉर्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, राइट शेयर के केस में, राइट एंटाइटलमेंट के केस में, शेयर्स एक्वायर्ड बाय राइट रिनाउंसी के केस में। तो अभी हमने मिस्टर ए मिस्टर बी वाला केस देखा है, वही सेम हम समझने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम मिस्टर ए जो है उसके लिए हम राइट शेयर का देखते हैं,
यहाँ पे हम राइट एंटाइटलमेंट देखते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है वो राइट शेयर्स जो है वो उसके पास है और साथ साथ वो अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ दो केसेस है, समझ लो। ये केस जहाँ पे मिस्टर ए अपने राइट शेयर्स खुद खरीद रहा है, सेकेंड केस जहाँ पे मिस्टर ए अपना राइट रिनाउंस कर रहा है टू मिस्टर बी, थर्ड केस जहाँ पे मिस्टर बी के लिए क्या होगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। सो मिस्टर ए राइट रिनाउंस कर रहा है तो उसके लिए क्या चीजें होंगी, और मिस्टर बी को राइट मिल रहा है उसके लिए क्या चीजें होंगी वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले राइट शेयर की बात करते हैं। जब मिस्टर ए ने राइट शेयर खरीद लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जितना राइट शेयर का प्राइस था वो बन जाएगी मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट केस जहाँ पे राइट इंटाइटलमेंट का केस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए। अब यहाँ पे क्या मिस्टर ए अपना कोई शेयर्स खरीद रहा है क्या? आंसर इज नो, वो शेयर्स नहीं खरीद रहा है, वो बस अपना राइट जो ये ऑफर लेटर में उसको राइट मिला था ये राइट वो उसको ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर बी को। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल होगी। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है कि मिस्टर ए की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम निल लेंगे, ठीक है। सो मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निल ले ली। नेक्स्ट आता है कि हम मिस्टर बी की कॉस्ट क्या लेंगे जब उसको राइट मिला। तो सबसे पहले तो राइट इंटाइटलमेंट के लिए जो उसने अमाउंट पे किया वो, और वो कंपनी को जो शेयर्स के लिए पे करेगा वो। तो हमने देखा कि मिस्टर बी 300 रुपीज पर शेयर पे करेगा कंपनी को पर शेयर्स खरीदने के लिए, और 40 पर शेयर जो राइट मिला है उसको मिस्टर ए से वो उतना पे करेगा 40 पर शेयर, ठीक है। सो ये दोनों चीज यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे। तो फर्स्ट केस में जब मिस्टर ए राइट शेयर्स खरीद रहा है तब जब आपको अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का तब से आपको लेना है। नेक्स्ट जहाँ पे मिस्टर ए अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है तब आपको वो राइट एंटाइटलमेंट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखना है, जब कंपनी ने राइट शेयर का ऑफर दिया होगा मिस्टर ए को तब से आपको देखना है। नेक्स्ट शेयर्स एक्वायर्ड बाय राइट रिनाउंसी, तो उसने जब एक्वायर किया होगा, मतलब मिस्टर बी ने जब शेयर्स एक्वायर किए होंगे तब से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो मिस्टर ए के केस में जब उसने राइट शेयर्स खरीद लिए तो जितने पे वो बेचेगा आगे वो सेल कंसिडरेशन। राइट इंटाइटलमेंट के केस में कितना लेंगे, तो जितने पे उसने मिस्टर बी को अपना राइट दिया है वो लेंगे, और मिस्टर बी के लिए क्या रहेगा कॉस्ट, जितने पे वो अपने शेयर्स को आगे बेचेगा, जो शेयर्स उसने राइट इंटाइटलमेंट के थ्रू खरीद लिए वो शेयर्स का जब वो बेचेगा तो जितना प्राइस वो चार्ज करेगा वो प्राइस यहाँ पे आपका सेल कंसिडरेशन बनेगा। आई होप क्लियर हुआ हो सारे पॉइंट्स। इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पे। मिस्टर रौनक परचेज 1000 शेयर्स ऑफ जे प्राइवेट लिमिटेड, 12 पर शेयर उसने खरीदा एज ऑन 1/8/2018, ठीक है। सो हम रिकॉर्ड करते जाते हैं सारी चीजें। 1/8/2018 को हमने खरीदे 1000 शेयर्स एट द रेट ₹12 पर शेयर, ठीक है। 1/8/2018 को 1000 शेयर्स खरीदे एट द रेट ₹12 पर शेयर। 1/5/2019 को कंपनी ने डिक्लेयर किया 1 राइट शेयर फॉर ईच शेयर हेड, मतलब हर एक शेयर के बदले एक राइट शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे राइट शेयर आएंगे, कितने राइट शेयर मिल रहे हैं, 1000 शेयर्स थे मतलब 1000 राइट शेयर आपको मिलेंगे। तो ये हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे, ये हमारा राइट शेयर है, और राइट शेयर हमको कितने पे मिल रहा है एट द रेट ₹15 ईच। हमने खरीदा नहीं है अभी, हमको ये सिर्फ मिला है अभी, ठीक है, मतलब ऑफर आया है। मिस्टर रौनक ने ये राइट रिनाउंस कर दिया 40% का मिस रानी को। तो ये हमारा रौनक का केस है और हम यहाँ पे रानी का केस देख रहे हैं, ठीक है। सो राइट शेयर हमारे पास 1000 शेयर्स थे, हमने 40% रिनाउंस कर दिया, मतलब हमने 400 शेयर्स को रिनाउंस कर दिया टू रानी एट द रेट ₹2 पर शेयर, ठीक है। सो 2 पर शेयर में हमने रिनाउंस कर दिया। कब रिनाउंस किया है, तो इसकी डेट आपको दी भी नहीं है, ये कौन से है, ये रिनाउंस्ड शेयर है। उसके आगे बोला जा रहा है कि बैलेंस को उसने खुद ने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब रौनक ने खरीद लिया। तो राइट शेयर जो कि उसने परचेस किए कितने खरीदे, 400 तो वो रानी को दे दिया था, 600 उसने खुद ने रखे, तो कितने पे खरीदे होंगे एट द रेट ₹15 ईच में उसने खुद ने खरीद लिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि मिस्टर रौनक और मिस रानी दोनों ने अपने अपने शेयर्स बेच दिए एट द रेट ₹50 ईच। आपको निकालना है कैपिटल गेन ऑफ बोथ असेसी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे तो 12 पर शेयर है, यहाँ पे ये वाले शेयर्स नहीं देखेंगे हम, ठीक है। हमने कितने परचेस किए थे ये वाले, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है, हम इसको हटा दो।
तो ये जो हमने परचेस किया है वो देखेंगे एट द रेट ₹15,000 हमने परचेस किया तो ये उसकी कॉस्ट हो गई, और हमने इंटाइटलमेंट किया है कितने पे किया है, 2 पर शेयर पे, तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी फॉर रौनक, एंड कॉस्ट पे एड होगी किसके, रानी के। सो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले रौनक का कैलकुलेशन हम करेंगे। रौनक के लिए 3 तरीके से कैलकुलेशन होगा, पहला तो ओरिजिनल का, नेक्स्ट हम लेंगे जो उसने शेयर्स हमारे राइट शेयर्स रिनाउंस किए हैं वो, और राइट शेयर उसने खुद ने परचेस किया है, तो जो राइट शेयर उसने परचेस किए हैं वो, और जो उसने रिनाउंस किया है उसके लिए। सबसे पहले ओरिजिनल के लिए कंप्यूटेशन करते हैं हम, तो कितने पे सेल किया उसने, उसने सेल किया एट द रेट ₹15 ईच। ओरिजिनल कितने शेयर्स थे हमारे पास, 1000 शेयर्स, सो 1000 × 50 दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गई, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो नेट सेल कंसिडरेशन इतना ही अमाउंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कितने पे एक्वायर किया था, 1000 शेयर्स 12 ईच पे, कब एक्वायर किए थे, 2018 में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मतलब अनलिस्टेड शेयर्स होंगे, तो 2 साल का टाइम रहता है, शॉर्ट टर्म के अंदर रहेगा, 2 साल के आगे जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सो हमने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, दैट इज 1/7/2019 को बेच दिया, तो 1 साल के अंदर ही हमने बेच दिया, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, शॉर्ट टर्म रहेगा, मतलब इंडेक्सेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। सो हमारा प्राइस कितना है, 1000 शेयर्स 12 रुपीज में हमने खरीदे थे, तो 12,000 रुपीज यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगी हमारी। इंप्रूवमेंट हमने कुछ कराया नहीं, एट लास्ट हमारे पास आ रहा है 38,000 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर ओरिजिनल शेयर्स। नेक्स्ट आते हैं हम राइट शेयर्स के लिए, तो राइट शेयर्स के लिए क्या बोल रहा है, देखिए 1000 शेयर्स एट द रेट ₹15 ईच, ठीक है, 1000 शेयर्स है एट द रेट ₹15 ईच, लेकिन हमने परचेस कितने किए हैं, हमने परचेस किए सिर्फ 600 शेयर्स एट द रेट ₹15 ईच। सो 600 × 15 आप करेंगे तो ये आपका आएगा 30,000 रुपीज। मैं एक बार और कैलकुलेट कर लेती हूँ, 600 × 15 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 9,000 रुपीज, ठीक है। सो हम देखें हमारे पास कितने शेयर्स हैं, सॉरी 600 × 50 किया जाएगा यहाँ पे, 600 × 50 क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने 50 रुपीज के हिसाब से सेल किया है, तो 30,000 रुपीज हमारा नेट सेल कंसिडरेशन बन गया, क्योंकि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखे तो ये 600 शेयर्स हमने एक्वायर किए थे एट द रेट ₹15, दैट इज इक्वल टू हमारा 9,000 कॉस्ट बन गया। एट लास्ट इंप्रूवमेंट हमने नहीं कराया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ऑफ 21,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमने राइट रिनाउंस किया है ना, हमारे पास जो राइट मिला था 400 शेयर्स का, वो 400 शेयर्स का राइट हमने किसको दे दिया, रानी को दे दिया एट द रेट ₹2 पर शेयर। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनने वाली है यहाँ पे, ₹2 पर शेयर, किसके लिए, रौनक के लिए। तो कितने शेयर्स उसने दिए हैं, 400 दिए हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज उसका बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो 800 नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ ली जाएगी है यहाँ पे, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना ऑफर लेटर दिया है उसको, ना कि उसने कोई शेयर्स दिए है, ना ही कोई चीज ऐसी ट्रांसफर की है जिसके ऊपर उसने खर्च किया था। तो ऑफर लेटर उसको कंपनी ने दिया था, उस पर उसने कोई भी खर्च नहीं किया था एट लास्ट, इसीलिए वहां पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे और हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा ऑफ 800 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं हम मिस रानी का केस देखेंगे अब। सो मिस रानी के लिए देखिए, मिस रानी ने मिस्टर रौनक से 400 शेयर्स का राइट लिया था, है ना, और ये 400 शेयर्स वो कितने पे बेच रही है, वो बेच रही है 50 रुपीज पे, है ना। सो 400 × 50 दैट इज इक्वल टू 20,000 पे यहाँ सेल हो रहा है, एक्सपेंस कुछ नहीं है, नेट सेल कंसिडरेशन सेम अमाउंट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे वो शेयर्स उसने कितने पे खरीदे, तो देखिए राइट शेयर का कंपनी ने प्राइस रखा था 15, प्लस साथ साथ उसको ₹2 एक्स्ट्रा पर शेयर उसको पे करना पड़ा रौनक को, तो 17 पर शेयर उसका खर्च आ रहा है। तो 400 × 17 दैट इज इक्वल टू 6,800 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी हुई। यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमने नहीं कराया है, एट लास्ट हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 13,200। आई होप क्लियर हुआ हो ये पॉइंट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। सो हमने मिस रानी और मिस्टर रौनक दोनों का कैलकुलेशन कर लिया, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। सो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था अभी की क्लास का। अब हमारा एक लास्ट और बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पहले पूरी चीजें समझा देती हूँ फिर हमारे सारे पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे। हमको पता है कि हमारा एक होता है असेसिंग ऑफिसर,
असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, जो कि हमारे लिए टैक्स कैलकुलेट करता है। नॉर्मली इनकम टैक्स में इसी का काम होता है, है ना। ये क्या करते हैं, हमारे लिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर कोई भी टैक्स में कभी प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि हमने गलत टैक्स भर दिया, तो उसको कौन असेस करेगा, ये सारी चीजें इसका काम होता है। चेक करता है, चेक रखता है हमारे ऊपर कि हमने सही टैक्स भरा है कि नहीं, ठीक है। ये काम किसका है, असेसिंग ऑफिसर का है, ठीक है। अब समझते हैं, एक होता है वैल्यूएशन ऑफिसर। अब ये वैल्यूएशन ऑफिसर कौन होता है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा केस आ गया, असेसिंग ऑफिसर का काम क्या है, मेनली वो प्रोफेशनल है किस चीज का, टैक्स कैलकुलेट करना। क्या वो चीजों की वैल्यू सही तरीके से निकाल सकता है, कि आंसर इज नो। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको वैल्यू ना पता चले। तो फॉर एग्जांपल, असेसिंग ऑफिसर के पास एक केस आ गया जहां पे डायमंड्स की वैल्यू पे उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उसको एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि डायमंड की वैल्यू कितनी है। तो उसको लग रहा है कि ये जाएगा किसके पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, उसको बोलेगा कि आप इसकी वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। सो इस टाइम पे वो उसको रेफर करेगा। दूसरा केस आया असेसिंग ऑफिसर के पास जहां पे टैक्स पूरा उसका आ रहा था 10 लाख रुपीज, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक समझ लीजिए ज्वेलरी थी उसकी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख आ रही थी, लेकिन हमारे असेसिंग ऑफिसर को डाउट था कि वो जो वैल्यू है 10 लाख बहुत कम है, वो 20-30 लाख तक की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इन दैट केस हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है, अगर उसको लगता है कि वैल्यू में 25% से ज्यादा का डिफरेंस, सॉरी 15% से ज्यादा का डिफरेंस है, या फिर अमाउंट में 25,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, क्या बोल रहा है, हमारे परसेंटेज वाइज 15% से ज्यादा का डिफरेंस है, या फिर अमाउंट में 25% से ज्यादा का डिफरेंस है, विच एवर इज लोअर। हम 15% अगर कैलकुलेट करें, 10 लाख का 15% दैट इज इक्वल टू 1,50,000, है ना। 10 लाख प्लस 1,50,000 दैट इज इक्वल टू 11,50,000, उससे ज्यादा है, तो आंसर इज यस, उससे ज्यादा है, या फिर 25,000 का डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे केसेस में हम ऐसा शो करते थे 25,000 से कम का अमाउंट, है ना। 25,000 हमने बोला 15% का डिफरेंस होना चाहिए, तो कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे 15% का डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन 25,000 से ज्यादा का डिफरेंस होता है, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं तो 1 लाख 10 लाख इतना तक का भी डिफरेंस हो जाता है उसके कारण। इसीलिए ये अमाउंट की भी लिमिट रखी गई है कि 25,000 तक का डिफरेंस। अगर हमारे असेसिंग ऑफिसर के पास कोई केस आया जहां पे उसको लग रहा है कि अमाउंट में थोड़ा गड़बड़ है, और उसको लग रहा है कि अमाउंट 15% तक का गड़बड़ हो सकता है, या फिर 25,000 से ज्यादा का गड़बड़ हो सकता है, इन दैट केस वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा उसकी वैल्यू निकालवाने के लिए। दूसरा केस जहां पे हम समझते हैं मिस्टर ए एक हमारा असेसी है, इसने लैंड बेचा, फॉर एग्जाम्पल लैंड उसने बेचा, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन आ रहा है ना, तो इसने कैपिटल गेन बता दिया कि 10 लाख का आ रहा है, उसने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसके हिसाब से ली, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन है, ये प्राइवेट वैल्यूअर्स होते हैं जो कि वैल्यू करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्राइवेट वैल्यूअर्स जो कि प्रॉपर्टी को वैल्यू करते हैं। तो मिस्टर ए ने इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर से इस वैल्यू को रजिस्टर करा लिया, मतलब उन्होंने इनसे भी एक सर्टिफिकेट ले लिया कि हाँ ये वैल्यू सही तरीके से इसने निकाली है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू सही सही बताए हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, प्राइवेट वैल्यूअर है ये, मिस्टर ए से ज़्यादा पैसे लेके भी वैल्यू को गलत बता सकता है ना, ऐसा भी केस हो सकता है। इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर के पास, अगर इस केस में भी उसको डाउट आ रहा है ना, तो वो असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाके बोल सकता है कि इस वैल्यू को चेक करो, मुझे इसमें भी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सो तीन केसेस हमने देखे जहां पे असेसिंग ऑफिसर को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वैल्यू है, तो भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। दूसरा केस जहां पे उसको वैल्यू में डिफरेंस लग रहा है 15% से ज्यादा या 25,000 से ज्यादा, विच एवर इज लोअर, वो उस केस में भी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। या फिर अगर हमारे असेसी ने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उस वैल्यू को सर्टिफिकेट भी लेके आया हो, तब भी असेसिंग ऑफिसर को अगर डाउट आ रहा है, तो भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि असेसिंग ऑफिसर कब कब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा। देखिए, फर्स्ट केस, वेयर द वैल्यू ऑफ एसेट एज क्लेम्ड बाय द असेसी इज इन अकॉर्डेंस विद रजिस्टर्ड वैल्यूअर। हमने क्या बोला, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपने वो जो भी वैल्यू है उसको
एस्टिमेट को आपने सर्टिफिकेट लेके आए आप उसके लिए, तब भी अगर असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू स्लो क्लेम इज ऑफ वेरियंस विद फेयर मार्केट वैल्यू, उसका फेयर मार्केट वैल्यू से वेरियंस हो सकता है, इन दैट केस यहाँ पे वो किसके पास जा सकता है, वो जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ठीक है। नेक्स्ट केस, इन एनी अदर केस में क्या बोल रहा है देखिए, इन असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन जहां पे उसको लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एसेट एज क्लेम्ड बाय द असेसी बाय मोर देन 15% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट सो क्लेम या फिर मोर देन 25,000, अगर उसको ये दोनों केसेस में कुछ भी लगता है विच एवर इज लेस तो वो जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। नेक्स्ट दैट हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ एसेट एंड अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस इट इज नेसेसरी टू डू सो, उसको जैसे कि हमने बोला डायमंड की वैल्यू उसको नहीं बन रही थी, उसको नहीं समझ आ रहा कि था कि एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, तब भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ हो सेक्शन नंबर 55A। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो, आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, इन शॉर्ट कल हम इन सब का व्यू देख लेंगे ताकि आपको ऐसा ना हो कि कोई भी डाउट बचे, हमारा रिविजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे एक बार। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।